नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार क्वालिटी का मिर्ची कटर बनाया हूं, जो कि बिल्कुल सबसे सस्ता है और आप भी अपने घर पर बिल्कुल आसानी बिल्कुल इजी वे में बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों चलिए अब इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आपको बनाकर दिखाते हैं शानदार क्वालिटी का मिर्ची कटर। दोस्तों, मिर्ची कटर बनाने के लिए सबसे पहले ऐसा वाला डब्बा आपको लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको लेना पड़ेगा ये लिथियम आयन बैटरी, जो कि आपको आराम से इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों, ये जो आप हमारे हाथों में देख रहे हैं, ये है ब्लेड। ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ धार होती है इसमें। ये आपको मेडिकल शॉप पर आसानी से मिल जाएगा, 5 रुपये वन पीस देता है। दो आपको लेना पड़ेगा, जैसा कि एक यहाँ पर और है हमारे पास, ये देख रहे हैं आप। उसके साथ साथ दोस्तों, ये जो ऐसा वाला हाई स्पीड मोटर लेना पड़ेगा, जो कि आपको आसानी से ये भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इसके जगह पर और कोई मोटर ले सकते हैं जो हाई स्पीड हो, लेकिन छोटा मोटर लेना आपको। उसके बाद आपको ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये स्विच लेना है, मिनी स्विच ले लेना है। उसके बाद आपको दोस्तों, ये वाला जो देख रहे हैं, ये हमने लिया है जो होल्डर होता है बल्ब का, उसमें से हमने निकाला है इसको। इसको अब काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जो ढक्कन है, इसके सेंटर में आपको होल करना है अच्छी तरह से। दोस्तों, होल करने के लिए हम थोड़ा सा पेचकस को इसमें समा देंगे, और समाने के बाद इसमें अच्छी तरह से इसको होल कर देंगे। उसके बाद और कोई सामान से इसको, दोस्तों आप देखिए कितना अच्छी तरह से इसके सेंटर में हमने होल कर दिया है। एक और ढक्कन है जो कि आप देख रहे हैं, इसको भी अच्छी तरह से इसके सेंटर में होल कर देना है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको जो होल करना है, इसके ये जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे फंसने वाला हाविंग की तरह है, यहाँ पे ये इस तरह से होल करना है, इसके साइड के होल करना है। उसके साथ साथ दोस्तों, एक और होल करना है यहाँ पर, इसके साइड या काट दीजिए या होल कर दीजिए, ताकि यहाँ हम मिर्ची इसको अच्छी तरह से यहाँ पर समा सकें। दोस्तों, आप देखिए कितना अच्छी तरह से हमने ये होल कर दिया। अब करना क्या है आपको, इस मोटर को इसमें अच्छी तरह से सेट कर देना है। ये जो आप ढक्कन देख रहे हैं, इसमें अच्छी तरह से सेट करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर इसको अच्छी तरह से यहाँ पर लगा देना है। और लगाने के बाद दोस्तों, आपको करना है कि इसको अच्छी तरह से फेविक्विक के द्वारा इसको चिपका देना है। दोस्तों, इसको अच्छी तरह से फेविक्विक डाल देना है। दोस्तों, ये देखिए कितना अच्छी तरह से चिपक गया है। दोस्तों, ये ढक्कन जो हमने दिया है, इसका जो शाफ्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे इसको इसलिए थोड़ा सा ये इसका जो डिस्टेंस है वो बना रहे इसके लिए। और दोस्तों, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जो हम लगाएंगे, यहाँ पर ये ब्लेड लगाएंगे। दोस्तों, इसको भी अच्छी तरह से फेविक्विक से चिपका लेना है, ये चारों तरफ से इसको फेविक्विक डाल देना है, इसको भी चिपकाना है ये मजबूती से। दोस्तों, यहाँ पे हम ज़रा मिट्टी डाल दिए है, ताकि ये और ज़्यादा मजबूती से इसको ढक्कन को पकड़ लें। और ये पूरा फुल कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब क्या करना है हमको, एक एक चीज़ को अच्छी तरह से वायरिंग करना है, लेकिन पहले इससे पहले हमको ब्लेड सेट करना है। तो ब्लेड सेट करने के लिए दोनों ब्लेड हम निकाल लेते हैं, आप देख रहे हैं दोनों ब्लेड हमारे पास हैं। अब चलिए इसको सेट करते हैं। दोस्तों, ब्लेड जो सेट करना है आपको, अच्छी तरह से इस तरह से इसको सेट करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा दाब दिए हैं, और दाबने के बाद ये ब्लेड इसको बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट हो गया है। अब एडजस्ट हो गया है तो इसको क्या करना है, इसमें सोल्डरिंग मशीन से अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर देना है। दोस्तों, चलिए अब थोड़ा सा इसमें पहले थोड़ा सा सोल्डरिंग कर देते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद उसमें अच्छी तरह से सोल्डरिंग करेंगे। देखिए, इसको अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर देना है। दोस्तों, आप देखिए कितना अच्छी तरह से सोल्डरिंग हो गया है। अब क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं, ये शाफ्ट है मोटर का, और इसी मोटर में इसको अच्छी तरह से सोल्डरिंग करना है सेंटर में देख के इसको। तो चलिए दोस्तों, इसको शाफ्ट में अच्छी तरह से इसको ब्लेड को सेट करते हैं एकदम सेंटर में बिल्कुल। दोस्तों, चलिए अब रंगा को इसको अच्छी तरह से इसमें डाल देते हैं, जो कि एक दूसरे से पकड़ लेगा, ये अटैचमेंट हो जाएगा। दोस्तों, चलिए इसके अंदर अब हम डालते हैं, इसके अंदर रंगा डालते हैं अच्छी तरह से। देखिए, काफ़ी ज़्यादा ये हार्ड है, इसको अच्छी तरह से रंगा इसमें डालना पड़ेगा। दोस्तों, ये इसको अच्छी तरह से पिघला लेना है, और देखिए ये
दोस्तों इसको अच्छी तरह से सोल्डिंग करना है। आप देख रहे हैं पूरा ये बैठ रहा है, पूरा अच्छी तरह से बैठ चुका है लगभग। इसको दोनों तरफ से इसको वायरिंग दोनों तरफ से इसको रंगा भर देना है। दोस्तों थोड़ा सा और इसको अच्छी तरह से रंगा भर देते हैं ताकि ये और ज़्यादा मजबूती से पकड़ सकें इसके अंदर में। दोस्तों आप देख रहे हैं ब्लेड पूरा ये फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। अब इसको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से वायरिंग करना है। तो दोस्तों चलिए अब वायरिंग करते हैं। अब करना क्या है, आपको ये बैटरी है तो बैटरी को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से सेट कर लेना है। आपको दो लेयर टेप लगाना है जैसा कि मैं अभी आपको लगा कर दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पे दो लेयर टेप के द्वारा हमने यहाँ पर अच्छी तरह से इसको चिपका दिया है। दोस्तों दो लेयर टेप के द्वारा यहाँ पर स्विच को अच्छी तरह से क्या करना है, चिपका लेना है। आप देख रहे हैं हम चिपका देते हैं इसको अच्छी तरह से। उसके बाद दोस्तों ये जो वायर है इसको अच्छी तरह से यहाँ पे आपको कनेक्ट कर देना है। दोस्तों अब ये जो पॉइंट है इसको अच्छी तरह से आपको ये मोटर में कनेक्ट कर देना है। दोस्तों ये वायर इसमें अच्छी तरह से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं इसको स्विच में जोड़ देना है। दोस्तों ये देखिए कितना अच्छी तरह से ये पूरा फुल्ली वायरिंग ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर स्विच है, इसको जैसे ही स्विच को पुश करेंगे ये पूरा हाई स्पीड में नचने लगेगा। और दोस्तों चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं, फाइनली अब हम लोग बढ़िया से टेस्ट करते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। पहले इसको अच्छी तरह से इसमें कस देना है इस डब्बा में, देख रहे हैं जिस जैसा कि हम अभी कस रहे हैं इसको। दोस्तों अब चलिए अब इस मिर्चाई को लेके अब इसको गर्दा गर्दा उड़ाते हैं। देखिए दोस्तों इसको ऑन कर दिए हैं, अब देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड है। दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों देखिए कितना हैवी ये मिर्चाई ये काटा है, आप यकीन नहीं कर सकते। दोस्तों देखिए पूरा जूस ये निकाल दिया, आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा ये एकदम छोटा छोटा एकदम मही कर दिया, ऐसा लग रहा है कि ये जूसर का काम कर रहे हैं। आप देखिए एक और है, इसमें हम लाल मिर्ची को काट कर आपको दिखाते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन तरीके से ये मिर्चाई कटर बना है और काफ़ी ज़्यादा हैवी क्वालिटी का है और काफ़ी ज़्यादा मही इसको काट रहा है। आप गौर से देखिए यहाँ पर ये पूरा देखिए गर्दा गर्दा उड़ा दिया, आप देख रहे हैं ना। दोस्तों कटर देखिए कितना हैवी कटर है ये, आप देख रहे हैं ना कितना तेज़ी से ये काटता है।